नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शिवपुरी निवासी लड़के की सोशल मीडिया पर दतिया के लड़के से दोस्ती हुई। ऑनलाइन दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। परिवार वाले राजी नहीं हुए तो दोनों ने लव मैरिज कर ली। घर छोड़कर दोनों ग्वालियर में रहने लगे, लेकिन शादी के महीने भर के अंदर ही दोनों में विवाद होने लगा। सोमवार को पति ने पीट दिया तो दुखी युवती सुसाइड करने किले पर जा पहुंची। वहां मौजूद टूरिस्ट ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती की जान बचा ली। युवती ने बताया कि उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, लेकिन पति घर में झगड़े करने लगा। ग्वालियर किले पर सोमवार को टूरिस्ट की भीड़ थी। इस दौरान बहुड़ापुर थाने में किसी अनजान शख्स ने फोन कर सूचना दी कि एक युवती रोती हुई किले की तरफ जा रही है। थाने से खबर मिलने पर किले के आसपास मौजूद पुलिस टीम को एक्टिव किया गया। पुलिस वाले किले पर लड़की को तलाश करने लगे, तभी लोगों ने बताया कि सुसाइड पॉइंट की तरफ एक युवती जा रही है। सिपाही अरविंद राजावत, लीलाधर गौरव और धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। तभी एक युवती किले पर सुसाइड पॉइंट के पास रोते हुए पहुंची। सिपाहियों ने युवती को किले से नीचे कूदने से पहले ही रोक लिया। सिपाहियों ने उससे परेशानी पूछी तो युवती ने बताया कि वो जान देने के लिए आई है। युवती ने पुलिस को बताया कि वो शिवपुरी की रहने वाली है। सोशल मीडिया पर दतिया के लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों मिलने लगे थे। आखिर में दोनों में जब प्यार हुआ तो शादी कर ली। घर वालों की मंजूरी के खिलाफ दोनों ने लव मैरिज की। इसके बाद दोनों ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में रामपुरी मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगे। युवती ने बताया कि उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, लेकिन पति घर में झगड़े करने लगा। शादी के 15 दिन बाद ही वो गाली गलौज करने लगा और अब 2 दिन से उसके साथ मारपीट कर रहा है। युवती ने बताया कि वो अपने ससुराल और मायके जा नहीं सकती। ऐसे में उसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो किले पर आ गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए। युवती को समझाइश देकर थाने लाया गया। पुलिस ने पति को बुलाया और काउंसलिंग कराई। काउंसलर की समझाइश के बाद पति ने पत्नी से माफी मांगी और आगे कभी ना झगड़ने का वादा किया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।